जय श्री राम भक्तों भक्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, नकुल और सहदेव की माता का क्या नाम था? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है चतुर कुम्हार और राजा। आइए कथा श्रवण करें। किसी नगर में एक राजा राज करता था। राजा नगर के सभी लोगों पर बहुत अत्याचार करता था, उन्हें बहुत डराया धमकाया करता था, उनके ऊपर तरह तरह के कर लगा दिया करता था, जिससे लोग बहुत परेशान रहने लग गए थे। एक दिन सभी लोगों ने राजा को कहा कि आपका कर्तव्य है कि हमारी रक्षा करना, आप हमें ही नुकसान पहुंचाए जा रहे हो, आप कैसे राजा हो? हम यह नगर छोड़कर किसी दिन दूसरे नगर में चले जाएंगे। राजा बहुत ही घमंडी था, उसने प्रजा के किसी भी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि उसने लोगों पर और कर बढ़ा दिए। एक दिन दूसरे नगर के राजा ने उस राजा को अपने यहाँ भोज पर बुलाया और सभी नगर वासियों को भी निमंत्रण दिया। वहाँ का राजा मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि मेरा इस राज्य में सभी लोगों पर कितना राज है। राजा सभी लोगों को बोला, जल्दी जल्दी अपने अपने कदम बढ़ाओ। लोग चलते चलते थक गए थे, उन्हें प्यास भी लग रही थी। वे एक बाग में पहुंचे, रंग बिरंगे फूलों से महकते बगीचों पर उनकी नजर पड़ी। राजा से वे बोले, कुछ देर यहाँ विश्राम किया जाए, फिर आगे चलते हैं। राजा बोला, यहाँ कोई नहीं रुकेगा, राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। सभी क्या करते, नगर के लोगों में से एक कुम्हार राजा के पास जाकर बोला, आप इतने निष्ठुर क्यों हो रहे हैं? यह सारे के सारे थक गए हैं, विश्राम करना चाहते हैं। इन सब के साथ छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े और औरतें भी हैं, जो विश्राम करना चाहती हैं। आप भी विश्राम करें, हमें भी करने दीजिए। राजा बोला, तुम तो एक तुच्छ से मनुष्य हो, बड़ी बड़ी बातें बनाते हो, मेरे सामने बोलने का हक तुम्हें किसने दे दिया? वह बोला, राजा जी, मैं चुप नहीं रहूंगा, आप चाहे जो मर्जी कर लीजिए, मुझे मेरी माँ ने सिखाया है कि अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने चाहिए। राजा बोला, चल हट, दूर हो जा मेरी नजरों से। कुम्हार को गुस्सा तो आ रहा था, पर वह चुपचाप चलने लगा। सभी लोग थक गए थे, कुम्हार भी आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए चलने लगा। उसे पास से आते हुए कुछ आदिवासी लोग दिखाई दिए। वे कुम्हार से बोले, नमस्कार, आपके द्वारा बनाए हुए बर्तन हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं, आप ये कला हम लोगों को भी सिखा दीजिए। कुम्हार बहुत खुश था। कुम्हार को उन लोगों ने कहा कि आप बहुत होशियार हैं, आपका हुनर पूरे राज्य में होना चाहिए, आप ये कला हमारे बच्चों को भी बता दें। आप जिससे भी मिलते हो उन्हें अच्छी ही शिक्षा देते हो, आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। अच्छा, अब हम चलते हैं। वे लोग कुम्हार के साथ साथ चलने लगे। कुम्हार सोचने लगा कि यही अच्छा वक्त है राजा को सबक सिखाने का। वह जल्दी से राजा के पास जाकर बोला, राजा साहब, बस बहुत हो गया, ज्यादा घमंड करना इंसान को शोभा नहीं देता, किसी दिन आपका घमंड चूर चूर हो जाएगा। राजा बोला, दुष्ट कुम्हार, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। वह बोला, आप क्या कर लोगे? अगर सारे लोगों को मैं आपके खिलाफ कर दूं तो आप अकेले ही रह जाओगे, क्या अकेले आप रह पाओगे? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक और एक मिलकर 11 बनते हैं, मैं सभी लोगों को अपने तरफ कर लूंगा। राजा बोला, शेखी बघारने वाले, राजा की आज्ञा तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी, जो राजा की आज्ञा नहीं मानेगा वह मुंह के बल गिरेगा। कुम्हार बोला, अच्छा, और करके बता दिया तो? राजा बोला, दूर हट जा, चल भाग यहाँ से, तुच्छ सा है और बातें बड़ी बड़ी। कुम्हार बोला, छोटा समझकर इंसान को दुत्कारना नहीं चाहिए, कभी छोटा इंसान भी काम आ सकता है। राजा बोला, यह मुंह और मसूर की दाल तुम मेरे क्या काम आएगा? कुम्हार मुस्कुराते हुए सभी लोगों के पास आकर बोला, तुम सब राजा को अब बोलो, हम सब राजा से डरने वाले नहीं हैं, सजा देनी है तो वह सबको सजा देगा, हम सब एक हैं, हम सब इकट्ठे होकर उसका मुकाबला करेंगे। कुम्हार बोला, अगर आप सभी अपने आप को कमजोर समझते रहें तो इसी तरह तुम्हें अपने राजा के अत्याचारों का हर रोज सामना करना पड़ेगा, हर रोज अत्याचार सहने होंगे, हर रोज अत्याचार सहने से अच्छा है तो मर जाना।
कुम्हार की बातें सुनकर सभी लोग आपस में बोले, बात तो ठीक ही कहता है। कुम्हार राजा को बोला, अब हम थक गए हैं और आगे नहीं चल सकते। राजा उन पर गुस्सा करके बोला, तुम्हें अपने राजा के सामने बोलने का अवसर किसने दिया? सभी लोग बोले, हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, परंतु अब बस बहुत हो गया, हम आपको छोड़कर किसी दूसरे राज्य में जाकर रहेंगे। सभी के सभी लोग राजा को छोड़कर चलने लगे, केवल कुम्हार ही वहां रह गया। वह बोला, राजा जी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। राजा बोला, दूर हो जा, तो क्या मेरी सहायता कर पाएगा? कुम्हार बोला, ठीक है, ज्यादा घमंडी को एक ना एक दिन सजा मिलकर ही रहती है। कुम्हार आदिवासियों के पास गया और आदिवासियों को कहा कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, आप लोग एकत्रित होकर राजा को बंदी बना लें। सारे के सारे आदिवासी इकट्ठे होकर राजा को घेर लिया। राजा उन आदिवासियों के बीच में फंसकर बहुत परेशान हो गया। राजा अपने सैनिकों को पुकारने लगा, किंतु बाकी लोगों ने सैनिकों का रास्ता रोक रखा था। वे सैनिक राजा के पास नहीं पहुंच पा रहे थे। राजा बोला, मुझे बचाओ। उसकी दर्द भरी आवाज सुनने के लिए कोई भी नहीं आ रहा था। उसके सारे के सारे लोग उसको छोड़कर आगे बढ़ चुके थे। उसके पास हथियार डालने के सिवा कोई चारा नहीं था। कुम्हार बोला, क्या हुआ? फिर राजा बोला, मुझे इन लोगों से बचाओ। कुम्हार राजा से बोला, तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, इन छोटे छोटे लोगों से डर गए, अब कहाँ गया तुम्हारा घमंड? यह कहकर कुम्हार जोर से हंसने लगा। राजा बोला, हंसना बंद करो, तुम हंसना बंद करो और मुझे बचाओ। कुम्हार बोला, एक शर्त पर आप बच जाओगे, आप आज कसम खाओ कि नगर के किसी भी व्यक्ति पर आप अत्याचार नहीं करोगे, उनके सारे के सारे कर वापस लोगे, जो आवश्यक होगा वही कर लगाओगे। राजा बोला, ठीक है। कुम्हार ने सभी आदिवासियों को कहा कि राजा जी को छोड़ दो। आदिवासियों ने राजा को मुक्त कर दिया। राजा कुम्हार को बोला, तुम बहुत ही बहादुर हो, तुमने आज एहसास करवा दिया कि हमें किसी भी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए। मुझे माफ कर दो, आज से मैं तुम्हें अपना सलाहकार नियुक्त करता हूँ, तुमने मुझे शिक्षा देकर अच्छा काम किया है। कुम्हार बोला कि मैं सभी लोगों को वापस बुला लेता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, सब लोगों को वापस बुला लो, मैं उनसे क्षमा मांगूंगा। सभी लोग अभी आगे नहीं गए थे। कुम्हार ने सभी लोगों को वापस बुलाया। सभी लोग वापस आकर राजा से बोले, अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं, क्योंकि क्षमा मांगने से कोई भी छोटा नहीं हो सकता। हम आपको अपना राजा अभी भी मानते हैं और आगे भी मानेंगे, लेकिन आप अपना वादा भूल गए थे, इसलिए आपको सबक सिखाना जरूरी था। हमें कुम्हार भाई ने सब कुछ साफ साफ बता दिया है, अब हम दूसरे राजा के यहाँ भोज पर अच्छे से चलेंगे। सभी लोग खुशी खुशी भोज का मजा लेने चल पड़े और राजा को अच्छा सबक मिला। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सभी को बराबर समझना चाहिए, किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में हमें जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।